हिल स्टेशन, जहां का खुशनुमा मौसम, ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को आकर्षित करती है और लगभग हर कोई इन खूबसूरत हिल स्टेशंस पर जाना चाहता है, खासकर गर्मियों के मौसम में जब हिल स्टेशंस किसी स्वर्ग से कम नहीं होते। और दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही भारत के 10 सबसे खूबसूरत और विश्व प्रसिद्ध हिल स्टेशंस दिखाने जा रहे हैं, जहां देश विदेशों से लोग छुट्टियां मनाने आते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस बार अपनी गर्मियों की छुट्टियां यहीं कहीं मनाना चाहेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। मसूरी। मसूरी उत्तराखंड राज्य के देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह का नाम यहाँ बहुतायत में उगने वाले एक पौधे मंसूर से लिया गया है। यह पर्वतीय पर्यटन स्थल हिमालय पर्वतमाला के मध्य हिमालय श्रेणी में पड़ता है, जिसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ से उत्तर में हिममंडित शिखर और दक्षिण में शिवालिक पर्वतमाला और धुन घाटियों का नजारा देखते ही बनता है। दोस्तों, गर्मियों में यहाँ का मौसम सुहाना रहता है और सर्दियों में यहाँ बर्फबारी का मजा भी लिया जा सकता है। अगर आप भी यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो यहाँ के कैंपटी फॉल, मसूरी झील, लाल टिब्बा, ज्वाला देवी मंदिर, नाग देवता मंदिर और झरी पानी के झरने को जरूर देखें। ये सब जगहें बहुत ही खूबसूरत हैं। श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ की सुंदरता का कोई जवाब नहीं। कश्मीर के बारे में बिल्कुल सही कहा जाता है कि अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो है कश्मीर। जी हाँ, ये जगह है ही इतनी खूबसूरत कि इसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। ये एक ऐसा शहर है जिसमें प्राकृतिक सुंदरता कूट कूट कर भरी है। यहाँ चारों तरफ हरे भरे मैदान, बर्फ से लदे पहाड़, सुंदर झीलें, धार्मिक स्थान और हाउस बोट्स ऐसा एहसास दिलाते हैं जैसे कि हम सपनों की दुनिया में आ गए हों। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब आप यहाँ जाएंगे तो आपका यहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ जाते हैं तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और पाटनी टॉप जैसी जगहों पर जरूर जाएं। ये सफर आपके जीवन का सबसे यादगार सफर होगा। माउंट आबू। दोस्तों, माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित एक नगर है और ये हिल स्टेशन यहाँ की अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। साथ ही ये राजस्थान का एक लौता हिल स्टेशन भी है। इसे राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। जहाँ राजस्थान में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहीं माउंट आबू में तापमान काफी ठंडा रहता है। दोस्तों, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि सदियों से जब राजस्थान के राजा महाराजा गर्मी से बेहाल हो जाते थे तो राहत पाने के लिए वो भी माउंट आबू आया करते थे। इन सुंदर पहाड़ों से घिरे इस हिल स्टेशन पर बहुत से सुंदर कलाकृतियों वाले मंदिर भी हैं। कहा जाता है कि माउंट आबू प्राचीन काल से ही साधु संतों का निवास स्थान रहा है और ये स्थान सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि जैन धर्म के लोगों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ आकर आपको राजस्थान के राजसी ठाट बाट और यहाँ के संस्कृति की झलक साफ देखने को मिलेगी। दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से 78 किलोमीटर दूर ये हिल स्टेशन किसी जन्नत से कम नहीं है। दार्जिलिंग की सुंदरता ही है जिसके कारण यहाँ हर मौसम में यात्रियों की भीड़ लगी रहती है। इस हिल स्टेशन को अंग्रेजों के जमाने में ही विकसित कर दिया गया था। दोस्तों, अगर आप भविष्य में कभी यहाँ जाएं, तो यहाँ के टॉय ट्रेन की यात्रा करना ना भूलें। ये यात्रा आपके जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक होगी। दार्जिलिंग अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध तो है ही, साथ ही यहाँ पे उगने वाली चाय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ पर आपको चाय उद्यान, जैविक उद्यान, टॉय ट्रेन, टाइगर हिल, जापानी मंदिर, पीस पैगोडा और ढेर सारे मठ देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत पसंद आएंगे। मुन्नार। केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित ये हिल स्टेशन केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अंग्रेजों के समय में ये उनका ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट हुआ करता था। दोस्तों, यहाँ की पहचान है यहाँ चारों तरफ फैले ये हरे भरे चाय के बागान और ये इनकी घुमावदार गलियाँ। साथ ही यहाँ का सबसे सुंदर नजारा तब देखने को मिलता है जब यहाँ उगने वाले एक खास तरह के पौधों पर 12 सालों के बाद फूल लगता है जिसका नाम है नील कुरिंजी। जब यहाँ पर ये फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इन पहाड़ों ने फूलों की नीली चादर ओढ़ ली हो। पिछली बार ये फूल 2018 में खिले थे।
मुन्नार अपने बेहतरीन मौसम के साथ साथ एराविकुलम नेशनल पार्क, रोज गार्डन, मरायूर डॉल्मेंस और कई ऐसी जगहों के लिए भी जाना जाता है जिसकी खूबसूरती देखकर लोग इसके कायल हो जाते हैं। मनाली। ऋषि मनु का घर माना जाने वाला मनाली किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इसे देवताओं की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। मनाली और इसके आसपास के क्षेत्र भारतीय संस्कृति और विरासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसे सप्त ऋषि यानी सात ऋषियों का घर बताया जाता है। मनाली का मौसम हमेशा ठंडा ही रहता है और यहाँ आपको आपके मनोरंजन के लिए वो सब कुछ मिल जाएगा जिससे आपको एडवेंचर मिलता है, जैसे रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग और बहुत कुछ। और साथ ही यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए, जैसे वशिष्ठ कुंड, मनाली सेंचुरी, रोहतांग पास, सोलांग वैली और बहुत सी खूबसूरत जगह हैं। इसलिए जब भी आप यहाँ जाएं तो अतिरिक्त समय निकाल कर ही जाएं, क्योंकि एक बार जाने के बाद आपका मन यहाँ से वापस आने को नहीं कहेगा। ऊटी। दोस्तों, ऊटी तमिलनाडु में है और ये कोयम्बटूर से 85 किलोमीटर और चेन्नई शहर से 550 किलोमीटर दूर है। ऊटी हिल स्टेशन नीलगिरी की सुंदर पहाड़ियों के बीच स्थित एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है और ये जगह हनीमून स्पॉट के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको चाय के बागान, बड़े बड़े जंगल और हरे भरे पहाड़ देखने को मिलेंगे, जिन्हें देखकर आपके दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ चलने वाली टॉय ट्रेन भी आपको जरूर पसंद आएगी। इस हिल स्टेशन पे पहुँचने के लिए आप बस, ट्रेन या प्लेन किसी भी साधन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत में अन्य स्थानों की तुलना में यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा और खुशनुमा रहता है, इसलिए आप जब भी यहाँ जाएं तो गर्म कपड़े जरूर साथ लेकर जाएं। और साथ ही दोस्तों, यहाँ के दर्शनीय स्थान जैसे कि बॉटनिकल गार्डन, ऊटी झील, कालहट्टी फॉल्स, डोडाबिट्टा चोटी और कोटागिरी हिल को देखना ना भूलें। नैनीताल। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच झीलों से घिरा नैनीताल उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध हनीमून स्पॉट है। यहाँ आकर आपको शांत और प्रकृति के पास होने जैसा महसूस होगा। उत्तराखंड का ये हिल स्टेशन पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। आपको चाहे अपने दोस्तों के साथ घूमना हो या फिर परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताना हो, हर तरह से ये स्थान आपके लिए बिल्कुल सही है। गर्मियों में नैनीताल की खूबसूरती और यहाँ का ठंडा मौसम सैलानियों को अपनी तरफ खींच लाता है, और सर्दियों में बर्फबारी और विंटर स्पोर्ट्स इसे और भी आकर्षक बना देते हैं। यहाँ की सुंदरता का कोई जवाब नहीं। यहाँ तालों में बतखों के झुंड, रंग बिरंगी नावें, बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का खूबसूरत नजारा और ऊपर से बहती ठंडी हवा किसी को भी दीवाना बना दे। दोस्तों, यहाँ के प्रसिद्ध स्थानों में नैना देवी मंदिर, नैना चोटी, गवर्नर हाउस, टिफिन टॉप और पंडित जीवी पंत प्राणी उद्यान हैं, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। शिमला। शिमला, जिसे भारत के सबसे पसंदीदा हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के इस छोटे हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। शिमला के हर एक जगह में आपको ब्रिटिश समय की झलक देखने को मिलती है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ की सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और यदि आप यहाँ कालका शिमला टॉय ट्रेन का सफर करते हैं तो आपको जो नजारे दिखाई देंगे उसे देखकर आप इस जगह के दीवाने हो जाएंगे। सर्दियों के समय में यहाँ जमकर बर्फ गिरती है और साल के अन्य महीनों में भी यहाँ का मौसम ठंडा ही रहता है। दोस्तों, अगर आप शिमला जाते हैं तो यहाँ की कुछ जगहों पर जरूर घूमें, जैसे ग्रीन वैली, कुफरी, दी रिज, जाखू मंदिर, नारकड़ा और कालका शिमला टॉय ट्रेन का सफर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अल्मोड़ा। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के सबसे सुंदर हिल स्टेशन्स में से एक अल्मोड़ा दिल्ली से 335 किलोमीटर और देहरादून से 415 किलोमीटर की दूरी पर कुमाऊं हिमालय श्रृंखला की एक पहाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। अल्मोड़ा को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ रूई जैसे सफेद बर्फ के पहाड़, हरी भरी घास और खूबसूरत झरने यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। यहाँ पहुंचकर आप अपनी थकान को पल भर में ही भूल जाएंगे। ये अपनी पीसफुल लाइफ के साथ साथ अपने एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए भी काफी मशहूर है। यहाँ आप वाइल्ड लाइफ एंजॉय करने के साथ साथ
रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और कई रोमांचक एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कसार देवी मंदिर, जीवी पंत म्यूजियम, ब्राइट एंड कॉर्नर, चितई मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, जीरो पॉइंट और जलना जैसे कई स्थान देखने के योग्य हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।